या गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का नामांकन है और वे आज नामांकन के लिए आज संध्या 4 बजे हवाई मार्ग से बोरो हवाई अड्डा पर उतरेंगी और हरसिंह रेड्डी के उत्सव भवन होटल में ठहरेंगी। वहां से कल सुबह वो 10 बजे 10:30 के आसपास निकलेंगी, समाहरणालय जाएंगी सड़क मार्ग से और वहाँ पर नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगी और उनके नामांकन प्रक्रिया में कल ही 11 बजे हवाई मार्ग से राज्य के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी भी आ रहे हैं, साथ ही कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हैं, कई नेता हैं, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, अन्य दलों के भी नेताओं के आने की सूचना है। सभी लोगों को हम लोगों ने जिला स्तर पर भी आमंत्रण दिया है और साथ ही पूरे राज्य के स्तर से भी लोगों को निमंत्रण है। आज पर उसके जिले से भी साथी कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं, वो भी कल आएंगे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं लोकसभा क्षेत्र से। जेपी वर्मा अभी किसी पद पर नहीं है, प्राथमिक सदस्य हैं और चूंकि अन्य माध्यमों से पता चल रहा है मुझे भी कि वे चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव में भाग लेना लड़ने के लिए। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से दल की जो नियम है, जो अनुशासनिक कार्रवाई करने का जो है उसके अनुरूप निश्चित रूप से जिस समकक्ष वो कमेटी के मेंबर हैं उस पर वो निर्णय लेंगे। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीट खाली करवाया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना सोच है। राजनीति का मतलब रणनीति से राजनीति करना और जो सहमत का खेल पिछले 1 वर्षों से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को ताके पर रख के अपने जो भी संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, जैसे CBI हो, NIA हो, ED हो, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग वैसे राज्यों में कर रही थी जहाँ पर उनके भाजपा दलों का शासन है, इसमें झारखंड भी था और उन चलते राज्य के मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री अभी जेल में है फर्जी मुकदमे में। तो दल ने अपने रणनीति के अनुसार इस सीट को खाली कराया था और निर्वाचन आयोग एक समान प्रक्रिया के साथ उपचुनाव करा रहा है और कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं, इसलिए उनको निर्वाचन भाग लेना ही है, उम्मीदवार बनाया है। कल्पना सोरेन पार्टी के पद पर नहीं चलने के साथ पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा होने की मुख्यमंत्री अमर बावरी को अपने दल की चिंता करनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसके प्रति जवाबदेह होगा और किसके इशारे पर चलेगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा तय करेगी। अमर बावरी आम जनता के लिए मोदी जी भी अनुकूल नहीं है, लेकिन मेरे चाहने से मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा थोड़े देते हैं, इसलिए अमर बावरी का बयान से कोई मायने नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। वो अपने दल में चिंतन करे कि वैसे लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाया गया है जो 1 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का खुलेआम सैकड़ों वीडियो पड़े हुए, चाहे पूर्णा देवी हों, चाहे बाबूलाल मरांडी हों, चाहे रविंदर राय जी हों, तमाम वीडियो हैं, उनके बयान हैं जिन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को श्राद्ध कर दिया। वैसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों पर सम्मानित हैं, वैसे लोगों को चिंता करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन किसी पद पर है या नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार है और नेता है और कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, इनसे उनको मंत्री बसंत सोरेन जी और अन्य कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कई विधायक, राज्य के कई मंत्री और गठबंधन के नेताओं के आने की सूचना है। साथ ही गांडे विधानसभा के सभी पंचायतों से, सभी गांवों से हजारों की संख्या में समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, साथ साथ गठबंधन के भी सहयोगी साथी भी उपस्थित रहेंगे।
नामांकन कार्यक्रम ब्रिटिश समाहरणालय के कार्य के निर्वाचित पदाधिकारी जिला मुख्य पदाधिकारी के होना है। नामांकन का समय 12:30 बजे है और श्रीमती अर्चना मुर्मू सोरेन कल सुबह 10:30 बजे जहाँ वो ठहरेंगी आज आने वाली है, सुबह 4:30 बजे तक वो वाइनार्ड से आगे आएंगे और हटसन राइड उत्सव पन में उनका रखी प्रवास है। वहाँ से कल 10:30 बजे वो सड़क मार्ग से निकलेंगे, उनके साथ समर्थक भी रहेंगे। पहले से तय कार्यक्रम में था कि तमाम धर्म के जो धार्मिक आस्था के केंद्र है वहाँ उनको जाना था, लेकिन चूंकि उनके घर में श्री राजा राम सोरेन जी जो श्री शिवू सोरेन जी के बड़े भाई हैं उनका कल देहांत हो गया है, तो छुटका जिसको हम लोग बोलते हैं इसके चलते अब वो जो धार्मिक स्थानों में जाने का जो कार्यक्रम था वो स्थगित किया गया है। अब वो सीधे वहाँ से निकल के सड़क मार्ग होते हुए समाहरणालय पहुँचेंगे और कल ही 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री भी दिल्ली गुरु हवाई अड्डा पर उतरेंगे, वे समाहरणालय पहुँचेंगे और उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद मोदी जी में भाजपा के लोगों में है कि चुनाव सुधार में ये व्यवस्था हो कि एक व्यक्ति एक ही जगह चुनाव लड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी स्वागत करेंगे ऐसे निर्णय होकर। कोई सूचना नहीं, इनके बारे में अफवाह है। अड्डीन इम्तियाज अहमद आपके समक्ष बैठे हुए हैं, इनसे आप स्वयं पूछ सकते हैं, ये साजिशों का जो बवंडर बनाया जा रहा था उसी के लिए आज अभी अड्डे निम्तिया जमात झारखंड मुख्य मोर्चा के जिला कार्यालय में ये निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ प्रत्याशी के पक्ष में ये काम भी करेंगे और पूरे अपनी क्षमता से ज़्यादा जो उनके पक्ष में मतदान कराने का प्रयास करेंगे। तो रेडीमेड राज्यसभा भेजती है सरप्राज साहब को पहले को आप लोग पब्लिक को भेज दिया। ये सब चीज नहीं, गठबंधन का अगर दायरा आप देखेंगे तो ये हम लोग सेकुलर विचारधारा की राजनीति करते हैं, जो जहाँ पर उपयुक्त था उनको वहाँ पर उस दल को मिला सीट और वो दल निर्णय लिया कि उनको कहाँ लड़ाना है। और जहाँ तक सम्मान देने की बात है, आज राज्यसभा देश का अपर हाउस है, सरप्राज साहब देश के तमाम राजनीतिक का जो कर्म है, MLC, MLA, सांसद, उसके बाद एक राज्यसभा बचा था वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको भेजने का सम्मान देने का काम किया है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरीके से संतुष्ट है, कहीं कोई बात नहीं है और आज हम लोग इस प्रकार से पूरे समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने का जो हमारी नीति है, हम लोगों का जो प्रयास है उसको लेकर तमाम लोग चाहे अग्रा हो पिछड़ा हो चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग आज इंडिया गठबंधन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा खाकर झारखंड में। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। 5 राज्य 61 शहर 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कम